हेलो दोस्तों, तो आज मैं बना रही हूँ एग करी। तो इसके लिए मैंने एग को बॉईल करके इस पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्प्रे करके छोड़ दिया था 2-3 मिनट के लिए। और ये मैंने कुछ मटेरियल कट किया है, जैसे कि अनियन कट किया है, टमाटर कट की हूँ, कुछ लहसुन कट कर लिया है, अदरक कट कर लिया है और हरी मिर्च कट कर ली है। ये मटेरियल मैंने रेडी कर दिया है और आपको मैं दिखाती हूँ। मैंने कुछ स्पाइसेस ली हैं, जैसे ये तेज का पत्ता है, 4-5 काली मिर्च है, 2 लौंग है, थोड़ी सी अजवाइन है, जीरा है, सौंफ है और ये बड़ी इलायची है, थोड़ी सी दालचीनी और थोड़ी सी हींग है। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ ना, ये जो एग रहता है इसको, ये मैं सरसों के तेल में जो है हल्का सा इसे थोड़ा सा मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी। अब आप देख सकते हैं कि मेरा एग जो है हल्का सा फ्राई हो गया। मैं इतना ही फ्राई करती हूँ एग को, तो मैं इसे निकाल के एक प्लेट में रख लेती हूँ। आप देख सकते हैं हल्का फ्राई किया मैंने एग को। अब इसमें जो ना मैं ये सारे स्पाइसेस हैं इसे डाल दूंगी, इसे थोड़ा सा पका लेती हूँ। देखिए जीरा भी चटक गया है और बाकी स्पाइसेस भी पक रही हैं, इसे मैं थोड़ा सा पका लेती हूँ। अब इस स्टेज में ना मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूंगी, अदरक जो कट करके रखा था वो डाल दूंगी और ये लहसुन की कलियां डाल देती हूँ। अभी ना मैं थोड़ा सा पका दूँगी बढ़िया से। आप यकीन मानिए इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका एग करी बहुत ही टेस्टी होगा। तो बस मैं अब मैं हाफ कुक करती हूँ उसको। जैसे ये नहीं है कि मिर्चे को एकदम जला देती हूँ, लहसुन को एकदम जला देती हूँ, बस हाफ कुक करती हूँ। अब देखिए मेरा लहसुन जो है वो गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इस स्टेज पे इसमें डालूंगी कटी हुई अनियन। अनियन को भी जो है ना, प्याज को भी मैं आधा ही पकाती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं पकाती हूँ। अब मैं अपने प्याज को थोड़ी देर पकने का वेट कर लेती हूँ। जब ये थोड़ा सा हाफ कुक हो जाएगा तब फिर मैंने ये जो टमाटर कट करके रखे हैं इन्हें इसमें ऐड करूंगी। तो अब मैं करूँगी थोड़ी देर इसका वेट। अब मेरी अनियन सलो फ्राई हो गई है, उसमें से प्याज का जो है कच्चापन वो पूरी तरह से निकल चुका है। अब इस स्टेज में मैं इसमें थोड़ा सा डालती हूँ नमक, आधा नमक अभी डाल देती हूँ, आधा साल्ट और आधा साल्ट मैं बाद में डालती हूँ, और हल्दी पाउडर भी इस स्टेज में मैं ऐड कर देती हूँ। मैं यहाँ लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, कर रही हूँ, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं इसको। और फिर इसी स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये भी मैंने टमाटर ऐड करके रखा। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक के पकने को छोड़ दूंगी क्योंकि टमाटर थोड़ा सा पक जाए। अब इस स्टेज पे जो है मेरे टमाटर गल गए हैं, तो मैं टमाटर को भी बहुत ज़्यादा नहीं पका रही हूँ। और इस स्टेज पे मैं गैस ऑफ कर दूँगी और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के उसको छोड़ दूँगी, क्योंकि मुझे इसे मिक्सी में पीसना है तो मैं इसे थोड़ा ठंडा करके ही पीसूँगी। तो मैं थोड़ी देर इसको छोड़ देती हूँ ठंडा होने के लिए। अब मैंने पैन में थोड़ा सा तेल लिया है और ये आप देख सकते हैं मिक्सी में मैंने सब सारा मटेरियल थोड़ा ठंडा करके पीस लिया था। अब मैं इसे सॉइल में डाल दूंगी। और इसे पका लूंगी थोड़ी देर के लिए, पकाऊंगी 2-3 मिनट के लिए और फिर से पका लूंगी इसे। अब मैंने इसे भी थोड़ी देर के लिए पका लिया है और इस स्टेज में मैंने जो मिक्सर में थोड़ा लगा हुआ था मसाला उसको भी थोड़ा पानी डाल के मैंने इसमें डाल लिया। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए और पकने दूंगी। और हाँ, इस स्टेज पे मैं इसमें ये नमक भी ऐड कर देती हूँ। थोड़ा नमक मैंने स्पाइसेस को और वेजिटेबल्स को कुक करते वक्त डाला था और अब बाकी बचा हुआ नमक मैं इस समय डाल रही हूँ। अब आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से बॉयल हो गए हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल देती हूँ जो मैंने फ्राई करके एग रखा है उसे।
और एक एग को इसके साथ डिप करके मैं 2-3 मिनट के लिए और पका दूंगी। अब ये मेरी एग करी रेडी हो गई और फिर इसे मैं थोड़े से हरे धनिया के साथ गार्निश कर दूंगी। और अब ये एग करी हो गई है रेडी टू सर्व और मैं इसे गरम गरम रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ।